नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बहराइच में किसानों को अपनी सब्जियों को बेचने के लिए दर दर भटकना ना पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उपज को बेचने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, सरकार का यह प्रयास है और आगे भी रहेगा। यह बातें आज मंडी उप स्थल भोगा जोत बहराइच का उद्घाटन करते हुए नगर विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कही। इस नवीन मंडी की स्थल की मांग काफ़ी समय से स्थानीय किसानों के द्वारा की जा रही थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी थी। इस नवीन मंडी स्थल के खुल जाने से किसानों को अपनी सब्जियों को बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें काफ़ी सहूलियतें भी होंगी। का उद्घाटन किया है आपने, क्या मांग? देखिए, शहर में सब्जी मंडी थी और किसानों को अपना माल बेचने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। आज सरकार के द्वारा यहाँ भोगा जोत में एक उप मंडी स्थल को स्वीकारिता देकर यहाँ पर आज उसका शिलान्यास किया गया है। इससे किसानों को निश्चित रूप से उनके उपज का उचित दर भी मिल जाएगा और साथ ही जो क्रय करने वाले लोग हैं, अपने बहराइच के लोग, उनको भी अपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार सब्जियों को क्रय करने में आसानी होगी। मैं आज के इस जो सरकार ने एक उपहार दिया है हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।